पहले शुरुआत करते हैं, पहले मातृ देवो भवा, पहले माताओं को मौका देते हैं। कोई भी माँ अपने प्रश्न की जिज्ञासा करना चाहती हो, अध्यात्म संबंधी, निजी नहीं, भगवान से संबंधित, ठीक है बहन आप खड़ी हो जाओ, हाथ खड़ा किया आप खड़ी हो जाओ, हाँ बहन, माँ आप बैठ जाओ, आप दोनों माँ बैठ जाओ, वो बच्ची खड़ी है उनके पास माइक पहुंचा दिया जाए, दो माइक चाहिए भगवान। ठंडी बहुत है वहां पर ना, जज्जी जी को कहेंगे वहां अलाव जल रहा है, एक दो राउंड लगवाने पड़ेंगे, कौआ सोना हो गया। हाँ जाओ ना, जाना। हेलो। हाँ बहन, चरण स्पर्श। खुश रहो। क्या नाम है बहन? डॉक्टर रेणु मिश्रा। कहाँ से? मैं वैसे तो राजस्थान की रहने वाली हूँ, पर अभी गुना से आई हूँ, मेरे पापा भी डॉक्टर हैं और मैं भी जन सेवा में विश्वास रखती हूँ, इसलिए डॉक्टर बनी। कर नहीं पा रही वो एक अलग बात है। मेरा एक सभी के लिए क्वेश्चन है कि हम लोग जैसे कोई भी बता देता है हम पाठ पूजा करने लग जाते हैं, सब परेशान हैं इस संसार में, कोई भी कहीं से आता है कुछ भी पूजा बताता है हम करने लग जाते हैं, पर वो पूजा से हमको कुछ रिजल्ट नहीं मिलते, मतलब उसका कुछ परिणाम नहीं मिलता, हम परेशान ही होते चले जाते हैं, समृद्धि रुक जाती है, घर में सुख शांति नहीं आती है, काल दोष बता देते हैं कुछ लोग, तो आप प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि मैं भी काफ़ी परेशान हूँ, अपने परिवार के साथ यहाँ आई हूँ, तो आपसे निवेदन है कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए। बहन आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है जी, तो निश्चित है आप इंटेलिजेंट हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेट की पीड़ा अगर किसी को है, आप मेडिसिन पर भरोसा करती हैं जी, पेट की पीड़ा किसी को है और बिना जांच किए उसे सूजन की भी दवा दे दी जाए, छालों की भी दवा दे दी जाए, इन्फेक्शन की भी दवा दे दी जाए और कैंसर की भी दवा दे दी जाए और उसको पेन किलर भी दे दिया जाए, एंटीबायोटिक भी दे दी जाए, तो क्या उनका रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। बस तो सबसे पहले तो हमें इस जड़ तक जाना है कि हमारी समस्या क्या है। आपने कहा कि कोई भी आता जो पूजा बताता हम कर लेते हैं, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। हमारा एक मंतव्य है, निजी विचार, किसी पर थोपते नहीं है, कि अगर करंट है तो लाइट जलेगी, स्विच ऑन, लाइट चालू। उसी प्रकार अगर उपाय सटीक है, गुरु के मंत्र में ताकत है, उस गुरु में या उस स्थान में या उस इष्ट में ताकत है, तो आप सरेंडर, सरेंडर मीन्स शरणागत, आप सरेंडर हुए, शरणागत हुए, श्रद्धा निष्ठा एकदम परिपक्व रखी तो लाइट जलेगी। अब घाटा कहां व्यक्ति खाता है कि कई बार जो गुरु उपाय बताते हैं या जो इष्ट के प्रति नतमस्तक करवाते हैं तो वो तो ठीक होते हैं, कई बार वायर ही डिस्टर्ब होता है, उसमें कार्बन होता है, कई बार वायर उल्टे लगे रहते हैं, कई बार स्विच ऑन ही नहीं व्यक्ति करता, कई बार बल्ब भी फ्यूज रहता है और व्यक्ति चाहता है लाइट जल जाए। इसका आप आशय समझ पाओ ना समझ पाओ, फिर समझाते हैं, कई बार व्यक्ति का श्रद्धा कमजोर होती है, विश्वास मजबूत होता है, कई बार बंद दिमाग में रहता है, कई बार कोई और गुरु तब तक एंट्री कर रहा होता है, कई बार कोई और उपाय बहुत पावरफुल लग रहा होता है। इसका मतलब पहले आप वायर ठीक कीजिए, स्विच ठीक कीजिए, इसके बाद आप बल्ब फ्यूज तो नहीं है ये चेक करिए, फिर उपाय करिए, लाइट जलेगी। हम फिर कहेंगे कि कोई भी एक उपाय करिए पर सोच समझ कर करिए, हवा के बहाव में, आंधी तूफान के चक्कर में बिल्कुल मत आइए। हमसे जो पहली बार कोई जुड़ता है तो हमसे कहता है गुरुजी दीक्षा लेनी है, आपका चेला बनना है, आपका हमें नजदीक रहना है, हम उसको कहते हैं पहले तुम 1 ईयर चेक कर, तू हमारे लायक है या हम तुम्हारे लायक हैं,
पहले चेक कर लो। तो मैं फिर लगे एक साल बाद कि हाँ इससे हमारी पटरी खा जाएगी गुरुजी से, फिर शरणागति। यही हम आपसे कहेंगे और वो हर दरबार में बोलते हैं, दोबारा फिर बहन बोलते हैं, एक गुरु एक इष्ट, इसके अलावा कोई टोटका की आवश्यकता नहीं है। जय जय हो जाएगी।